अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप? अब आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। तो कोई भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि हम अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट टू का स्टार्ट करने लगे, हम आपको पेपर पैटर्न बता दें कि पेपर आता है किस तरह, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि हम क्या क्या चीज़ करेंगे तो इतने नंबर हमें मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरफ, वो आपको नज़र आ रहा है ऑब्जेक्टिव पार्ट। उसमें सबसे पहले आपके पास जो MCQs आते हैं वो 20 नंबर के होते हैं, यानी अगर आप MCQs की तैयारी कर लेते तो 20 नंबर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक आता है शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट और दूसरा आपके पास आता है लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट में जो है आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें उन्होंने पार्ट्स बनाए होते हैं, वो कम से कम आपने कितने करने होते हैं, 10 करने होते हैं, और जो 10 सवाल होते हैं वो 20 नंबर के होते हैं। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको आते हैं कोई 5, और 5 में से आपने जो है कोई 3 अटैम्प्ट करने होते हैं, और आपका जो एक सवाल होता है वो 20 नंबर का होता है। यानी अगर आप एक सवाल करते हैं तो 20 नंबर का, 2 सवाल करते हैं तो 40, अगर 3 करते हैं तो 60 नंबर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने मेन चैप्टर अकाउंटिंग की तरफ। पहले सबसे पहले आपको हम ये बता रहे हैं कि कौन से मेन चैप्टर जो हमने करने हैं, और इसमें से 100% जो है पेपर आपका आना है, और अगर आप उसको अटैम्प्ट कर लेते हैं तो 100% नंबर भी आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, डेप्रिसिएशन का चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसमें से सवाल भी लाजमी आता है। दूसरा आपके पास है सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री का जो दूसरा नाम है उसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, इसलिए आप इसको देखें घबराना नहीं। तीसरा चैप्टर हमारे पास है जॉन स्टॉक कंपनी, ठीक है, कंपनी जिससे आप उर्दू में मुश्तरका साज सरमाया की कंपनी कहते हैं, आपने कॉमर्स में ये पढ़ा ही होगा। इसमें हम दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, एक हमारा शेयर्स है और दूसरा हमारा वेंचर्स है, ठीक है। फोर हमारे पास क्या आ रहा है, वो है कंसाइनमेंट है, इसमें से भी सवाल कन्फर्म आता है। और लास्ट हमारे पास है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के नाम एक ही है, ठीक है, मतलब दोनों काम एक ही करते हैं, नाम सिर्फ चेंज ही है। तो ये मेन है, इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जब हमारा एक चैप्टर ख़त्म होगा आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी, असाइनमेंट भी हो सकता है और टेस्ट भी हो सकता है, वो हम आपको दे देंगे। आपने क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद हमारा जो नीचे ईमेल आईडी है वहाँ पर आपने इसको क्या करना है, सेंड करना है, हम उसको देखेंगे, जो गलतियाँ होंगी साथ साथ आपको उसको बता दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो या आपको कुछ समझ ना आ रही है तो हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स के सवाल के जवाब ज़रूर दिए जाएंगे। चलो तो हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, अपना पहला चैप्टर है अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन है, और ये आईकॉम पार्ट टू की है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली होता क्या है, किसी भी असासा जात को इस्तेमाल करने से इनकी मालियत में जो कमी आती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, या अगर इंग्लिश में बात करें तो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताते हैं कि देखिए एसेट्स आपके क्या होते हैं, उसको उर्दू में हम असासा जात कहते हैं और इंग्लिश में उसको एसेट्स कहते हैं। एसेट्स मतलब जैसे कि प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोबाइल फ़ोन्स, कार्स वगैरह, जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा देती है। अब आपको सिंपल एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि देखिए प्लांट, मशीनरी और आपके पास मोबाइल फ़ोन है। फ़र्ज़ करें कि आपने किसी दुकान से जाके ना मोबाइल परचेज़ किया है, मोबाइल आपने कोई परचेज़ जो किया है वो कोई है 25,000 का, ठीक है, कहाँ से परचेज़ किया, शॉप से जाके, ठीक है। अब आपने 25,000 का जो है वो परचेज़ कर लिया और उसको तकरीबन आपने 6 माह जो है क्या किया, इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद आपने कहा मोबाइल का कोई नया मॉडल आया तो मैंने वो लेना है। आप दुकान के पास गया और उसे कहा कि मैंने ये सेल करना है। अब मेन चीज़ जो है 25,000 का तो आपने ख़रीदा है, तो क्या दुकानदार 25,000 में ही सेल कर देगा आपको? नहीं, क्या करेगा, वो उसकी वैल्यू कम देगा, मतलब 25,000 का है तो तकरीबन कोई मिल जाएगा आपको 18-17,000 का। तो ये जो मालियत कम हुई है ना इसकी, इसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें होती है धात, यानी मेटल से बनी होती है, जब आप उसको अपने हाथ में इस्तेमाल करते हैं मुसलसल, तो धात को जब आप हाथ में पकड़ते हैं तो मुसलसल इस्तेमाल से वो घस जाती है, और जब वो घसती है तो क्या होता है कि उसकी मालियत में कमी होती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। ईजी वे में डेफिनेशन बता रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा नहीं लेकर जा रहे हैं, मेन पॉइंट्स के आप जाके इम्तिहान में ईजी पेपर कर सके, ठीक है। आप दूसरे चैनल में जाएंगे तो वो आपको बहुत डिटेल से समझाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पर स्टूडेंट को असल में टारगेट वो है, जिन बच्चों को टीचर से कहते हैं तो नलायक हैं, कुछ करना नहीं, कोई स्टूडेंट नलायक नहीं होता, सिर्फ एक टीचर का काम है कि वो बच्चे के दिमाग में जो खूबी है उसको बाहर निकाल के दें। तो अब चलते हैं कि हमारे पास डेप्रिसिएशन की कितनी टाइप्स होती है। हमारे पास जो है डेप्रिसिएशन की कितनी टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती है, और वो कौन कौन सी होती है आगे आ जाओ। देखिए जी, असल में डेप्रिसिएशन की सिर्फ 2 टाइप्स होती है, लेकिन नाम उसके डिफरेंट होते हैं जिसकी वजह से बच्चे घबरा जाते हैं, पता नहीं कौन सा सवाल आ गया, ठीक है। नाम आपने याद रखने हैं, लेकिन तरीके इसके सिर्फ 2 ही हैं। पहला तरीके में आपके पास है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है, और पहले ही तरीके का दूसरा नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, और पहले ही तरीके का जो तीसरा नाम है ओरिजिनल बेस्ड मेथड,
ठीक है, तीनों एक ही काम करते हैं, सिर्फ नाम चेंज है, तो ये आपने अपने जहन में ज़रूर रखना है। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, डिमिशनिंग बैलेंस मेथड। दूसरे मेथड का दूसरा नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और दूसरे मेथड का जो तीसरा नाम है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। एग्जामिनर अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए डिफरेंट नाम से जो है वो डेप्रिसिएशन का पूछ लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो घबरा जाते हैं। लेकिन घबराना कोई नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ ईजी वे में क्या करना है, इसको आपने जो है जहन में याद रखना है। वो कैसे याद रखना है वो आपको साथ साथ बताएंगे। तो हमारे इस चैनल को अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले ज़रूर मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रॉब्लम अकाउंटिंग की।